आजकल ये गाड़ियों में घूमने वाले, बाइक पे घूमने वाले, क्या जाने साइकिल घड़ी रेडियो की कीमत क्या थी उस समय। अब तो ये जब चाहे जिस शोरूम में जाए वहां उतर जाते, बोले आई लाइक इट तो ले जा भैया, कर पेमेंट ले जा। लेकिन वो 30-35 साल पहले जो छोटी छोटी चीजों में सुख हम लोग ढूंढ लिया करते थे, अच्छाई ढूंढ लिया करते थे, आनंद ढूंढ लिया करते थे, आज बच्चों के पास संसाधन बहुत है पर शांति नहीं है। हमारे उस बचपन में साधन कम थे पर शांति बहुत थी। अब मैं अभी इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ हूं, पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 35 साल पहले जहां हम 8-9 साल के हुआ करते थे, पैदल पैदल भागते थे, लेकिन घर पहुंचे एक रोटी मिल गई और उसे खा लिया, शांति मिल गई, सुकून मिल गया, ब्रह्मांड मिल गया। आजकल के बच्चों को रोज पिज्जा हट पे पिज्जा खिलाओ, इसके बाद भी कहते बाप से तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, अबे निकम्मे 900 रुपए का पिज्जा रोज खा रहा था, हमने कुछ किया ही नहीं, तेरे स्कूल में लाखों खर्च कर दिए, हमने कुछ किया ही नहीं, तुझे उंगली पकड़ के पैदल चलना सिखाया, हमने कुछ किया ही नहीं, क्या नहीं किया है, तुझे नंगे से हमने ढका है, कपड़े हमने पहना है, कुछ किया ही नहीं। बहुत आसान है अपने बाप से ये कह देना कि तुमने हमारे लिए कुछ किया नहीं, लेकिन याद रखना उस दिन तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारा बेटा बड़ा होकर कहेगा कि तुमने हमारे लिए कुछ किया नहीं। और ये बात दोनों पे लागू है, बेटी पे भी और बेटों पे भी, दोनों पे लागू है। तो समझ लीजिए ये कथा इतनी आसान नहीं। मां पार्वती से कहा कि जाओ देख कर आओ कैलाश पर्वत पे तुम्हारे अलावा कोई और तो नहीं। मां दौड़ कर गई, कोई नहीं बाबा जल्दी सुनाओ, भूल गई कथा सुनने की उत्सुकता थी, तो वहां जो विकलित अंडे के रूप में सुख विराजमान थे उन पर नजर नहीं पड़ी, उनकी दृष्टि नहीं गई। और जब उस उन पे दृष्टि नहीं गई तो बाबा से कहा बाबा कोई नहीं कथा प्रारंभ करो, बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी, भागवत कथा बाबा ने प्रारंभ की। और जब भागवत कथा बाबा ने प्रारंभ की तो मेरे प्यारे बीच कथा में मां पार्वती को नींद आ गई। ध्यान से सुनना, बीच कथा में मां पार्वती को नींद आ गई। अब बाबा कथा कैसे कहें, कैसे सुनाए बाबा, क्यों भाई? देखो आप जब बच्चे सुलाने जाते हो तो बच्चा जब सोता है माँ उसे कहानी सुनाती है, तो कब तक सुनाती है, जब तक बच्चा सो ना जाए, और सो जाए तो मम्मी जो माँ है वो कंप्लीट थोड़ी करती है कहानी, सो गया बात खत्म। कथा में तो श्रोता जगे, एक ही तो श्रोता वो भी सोए। श्री शुक ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा कथा पूरी कर दें, तो शुक ने ओंकार भरना ही शुरू किया, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ। ठीक, अब देखो पार्वती माँ के लिए कथा प्रारंभ हुई थी, वो सो गई, और शुक के लिए कथा नहीं हुई थी प्रारंभ, लेकिन उन्होंने पूरी सुनी।